तो एक छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकता है, और इसी मकसद से शुरू हुआ है भिलाई की एक कंपनी का ये प्रयास। रद्दी कागजों को रिसाइकल करके ये कंपनी उसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाती है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है। ये नजारा है इस्पात नगरी भिलाई के FSNL भवन का, जहां कोई भी कर्मचारी रद्दी कागजों को जलाता नहीं है और न ही फेंकता है, बल्कि उसे एकत्रित कर वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग प्लांट के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व तो योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए लेखन सामग्री तैयार करता है। मकसद है FSNL से निकलने वाले रद्दी कागजों का उपयोग करना और कागज की बर्बादी को रोकना। बेकार कागजों का उचित निपटान के लिए ये व्यवस्था की गई है। रिसाइकलिंग यूनिट स्थापित करने से इसका बेहतर उपयोग किया जा रहा है और बेरोजगारों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। जब सुबह हम लोग ऑफिस आते थे तो देखते थे कि जो हमारे सफाई कर्मचारी है वो पूरा पेपर निकाल के एक जगह फेंक के और उसको आग लगा देते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको अगर किसी तरह से रिसाइकलिंग किया जाए, जैसे हम लोग मेटेलिक स्क्रैप को कर रहे हैं, मेटेलिक स्लैग को कर रहे हैं, तो इससे काफी फायदा होगा। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड इस्पात संयंत्रों में अपनी सेवाएं देता है। FSNL वेस्ट से वेल्थ का नायाब उदाहरण पेश कर रहा है। एक तरफ जहां रद्दी कागजों का सुनियोजित ढंग से सदुपयोग हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कार्यालय के रद्दी कागजों से पेपर फाइल, लिफाफा, फोल्डर, थैला, राइटिंग पैड, नोटबुक, स्क्रिबल पैड बनाकर FSNL अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। पहले हम गार्डन में काम करते थे सर, अभी यहाँ पे पेपर रिसाइकलिंग प्लांट आने से यहाँ भी हमको ट्रेनिंग दी गई सर, हमको सिखाया गया, तो हम अभी यहाँ पे काम करते हैं सर। चार लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिली पहले से अच्छा, और यहाँ पे काम सिखाने के बाद हम बहुत अच्छा काम सीख चुके हैं सर छोटे से प्लांट में। एक छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक प्रत्येक टन कागज से 17 पेड़ों का जीवन बचता है। स्वच्छ ऊर्जा और जल दोनों हासिल होते हैं। FSNL की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत शासकीय प्राथमिक स्कूल में 300 छात्र छात्राओं को अपने वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग प्लांट में निर्मित नोटबुक और लेखन सामग्रियां वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास कड़ी दर कड़ी जुड़कर स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, रायपुर।